ये मेरी वो तस्वीर है जो मैंने अपने फोन MI A3 के नॉर्मल कैमरे से ली है। इस समय दोपहर के 3 बज रहे हैं और बरसात हो रही है, बादल घिरे हुए हैं। अब इस फोटो को हम कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ हम एडिटिंग स्नैपसीड ऐप से कर रहे हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर से आप ये ऐप इंस्टॉल कर लें और उसमें अपनी फोटो ओपन करें। टूल्स में जाएं और ट्यून इमेज करें कुछ इस तरह। यहाँ हमने इस तरह की सेटिंग कर ली है, कुछ घटाया है, कुछ बढ़ाया है, ये आप अपनी फोटो के हिसाब से सेट कर लें। फिर राइट क्लिक करें और फिर से टूल्स में जाएं और फिर डिटेल्स में स्ट्रक्चर और शार्पनिंग दोनों को सेट करें। फिर इसे राइट क्लिक करें, फिर से दोबारा टूल्स में जाएं और इस बार अब कर्व्स में। कर्व में हम इसे अपनी फोटो के हिसाब से सेट करेंगे। राइट क्लिक करके इसे भी ओके कर दें। फिर से टूल्स में जाएं और इस बार हम जा रहे हैं वाइट बैलेंस ऑप्शन में, तो इसको भी आप सेट करें। टेम्परेचर और टिंट इसे कम या ज़्यादा करके आप अपनी फोटो के हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसे भी राइट क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है ड्रामा, जो कि मेरा सबसे फेवरेट है। यहाँ मुझे ये सेकंड वाला ठीक लगा तो मैंने इसे ओके कर दिया। आप बाकी भी ऑप्शन आजमा के देख सकते हैं कि किस में फ़ोटो ज़्यादा अच्छी लग रही है, उसको आप ओके कर दें। इसके बाद विंटेज में गए, यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, मैंने यहाँ नंबर 3 को ओके कर दिया है। नेक्स्ट है ग्रेनी फिल्म, यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ भी मुझे नंबर 3 ठीक लगा तो मैंने इसे ओके कर दिया। इसके बाद फिर मैंने किया क्रॉप इमेज, इसको मैंने थोड़ा ऊपर से और थोड़ा नीचे से मैंने फ़ोटो को कट कर दिया और राइट क्लिक करके ओके कर दिया। शेडिंग में थोड़ा फेरबदल करने का लग रहा था तो मैंने फिर से कर्व में गई और वहां जा करके उसको भी थोड़ा मैंने सेट करा, ऊपर नीचे करके देखा कि कहां से फ़ोटो थोड़ी आर्टिस्टिक लगे, तो उसको फिर मैंने ओके कर दिया। फिर एक्सपोर्ट किया और सेव कर लिया। इस तरह से हम उस पुअर क्वालिटी की इमेज को आर्टिस्टिक इमेज में कन्वर्ट कर पाए। उस समय की और भी मैंने बहुत सारी तस्वीरें ली थी जिन्हें मैंने इस तरह से उसी सेम एडिटिंग में कन्वर्ट कर दिया है। स्नैपसीड में एक बात अच्छी है कि लास्ट एडिट आपकी उसमें सेव रहती है, तो आप चाहें तो अपने और फोटोज़ में बिना कुछ ऊपर नीचे फेरबदल करें बस वो लास्ट एडिट क्लिक करके आप अपनी सारी फ़ोटो में वही सेटिंग कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर, कमेंट सब करना।